कैसे पढ़ी ऐसे? क्या है ये? नहीं पढ़ा जा रहा है? मैं बोल देती हूँ, मैं दामिनी अपने पूरे होश और हवास में ये लिख रही हूँ कि मैं मोहन त्रिवेदी से प्यार करती हूँ। उसने मुझसे सगाई की, शादी का वादा भी किया, लेकिन अब वो राधा से शादी करना चाहता है। पर अब मुझे लगता है कि मेरी जान को ना खतरा है। मोहन त्रिवेदी मेरी जान लेना चाहता है। तुलसी को जला के मारने के इल्जाम से तो मोहन बच गया था, पर मैं ऐसे सबूत छोड़ के जाऊंगी कि ऊपर से बाकी बिहारी भी आ जाए ना तो मोहन को नहीं बचा पाएंगे। बाकी बिहारी जी, बस अब इनके खुशियों को दामिनी और कावेरी मौसी की नजर ना लग जाए। दामिनी, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। मैंने आपसे कहा था ना मासी, अगर मोहन से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मेरे जीने का तो कोई मतलब ही नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। कहा था मैंने आपसे, दामिनी क्या कर रही हो? दामिनी क्या कर रही है बिटिया? सो रही हो ना? मैं अपने आपको नहीं 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 सो रही है, जा रही है पीछे। मैं पीछे जा रही हूँ। आपने मुझे राधा मोहन की कहानी सुनाई थी ना, अब एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ मासी, और ये कहानी पूरी दुनिया सुनेगी। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। ये मोहन तो राधा के पीछे गोंद की तरह चिटकी गया है पूछने के लिए कि वो उसे क्या कहने वाली थी। हे प्रभु, अगर राधा ने कह दिया कि वो मोहन से प्यार करती है और उसने अगर हाँ बोल दिया तो क्या करेंगे हम? राधा ने अगर अपने दिल की बात कह दी तो मोहन तो हाँ बोल ही देगा ना मम्मा, जानती है क्यों? क्योंकि उस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता कि उसके लिए कौन सही है। मोहन के लिए मैं सही हूँ मम्मा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, राधा मोहन को अपने दिल की बात कह नहीं पाएगी, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। हाँ? पानी की बोतल खाली करवाने से क्या होगा? बस देखती जाओ मम्मा, जो होगा बहुत जल्दी होगा। आप बस आज रात को जागने के लिए तैयार रहो, देखना राधा की अच्छाई ही की बर्बादी का कारण बनेगी। तुम्हें क्या लगता है जो गाड़ी में तुमने मुझसे कहा वो मैं सुना नहीं? सब सुन लिया मैंने,
जो बात तुम्हारे दिल से निकली है ना, वो बात सीधे मेरे दिल तक पहुंची है। और सच बताओ तो अच्छा तुमने ये बात कह दी, क्योंकि ये बात कहने में मैं हिम्मत नहीं ला पाता। सच कहो तो जो एहसास तुम्हारे अंदर मेरे लिए है ना, वही एहसास मेरे अंदर तुम्हारे लिए भी है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे राधा। I love you. बिहारी जी, हम क्या बड़बड़ा रहे थे? अच्छा हुआ कि छोटी काकी जी गहरी नींद में थी, वरना तो अनर्थ ही हो जाता। बहुत प्रेम करते हैं, बहुत 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 सारा प्रेम करते हैं हम आपसे। बाकी बिहारी जी, राधा तो मोहन से प्यार करने लगी है। मोहन त्रिवेदी ने अपनी मंगेतर भामिनी को नई प्रेमिका राधा के कारण चलाकर मारा है। क्या मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? पता नहीं दामिनी उस बच्ची का क्या हाल करेगी। प्रभु, राधा की रक्षा कीजिएगा। नहीं, हम हमारे बच्चे के प्यार को दामिनी के पागलपन पर सूली चढ़ने नहीं देंगे। राधा, ये दोनों माँ बेटे नाटक कर रही है, तुम इनकी बातों में प्लीज मत आओ। हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, मां से प्रेम कैसे कर सकते? हमारा तो मोहन जी को कोई अधिकार ही नहीं, मोहन जी की तो सगाई हो गई है ना अपनी दीदी से। मोहन जी पर तो सिर्फ अपनी दीदी का ही अधिकार है। नहीं राधा, मोहन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। नहीं, हम दामिनी दीदी के साथ बहुत गलत कर रहे थे। गलत तो वो दामिनी कर रही है, राधा तुम सही हो, भोली हो तुम, दिल की अच्छी हो। तुम तो उस दामिनी के बिछाए हुए जाल में खुद ब खुद फंसे जा रही हो। आप ही हमें कोई रास्ता दिखाई। बाकी बिहारी जी, अगर ये माँ बेटी अपना काम बनाने के लिए झूठ बोल सकती है, तो अब मुझे ही सच का साथी बनना पड़ेगा।
क्योंकि मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। कर्मत्वं कर्म ज्यायायो कर्मणः शरीर यात्राणि चिते न प्रसिद्धये द कर्मणः। अर्थात तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। भाग्य बिहारी जी, आज जो हम करने जा रहे हैं उसका नतीजा जो भी हो, मोहन जी हमसे जो भी कहे बस उसे सहने की शक्ति दे दीजिएगा। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी दिल की बात बस उन तक पहुंच जाए। यू अचानक मोहन, इसमें अचानक क्या है? सबको तो पता ही है कि हमारी शादी होनी है, बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। हमें माफ करना बेटा, हम जानते हैं कि गुनगुन के लिए तुमसे अच्छी माँ और मोहन के लिए तुमसे बेहतर कोई जीवन साथी हो ही नहीं सकता, पर मोहन की भलाई के लिए हमें यह फैसला लेना पड़ा। और वैसे भी पिछले दिनों में हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उससे हमारी शादी बस टलती जा रही थी। अब मुझे मिसेज मोहन त्रिवेदी बनना है। क्यों माँ? मोहन त्रिवेदी की नई प्रेमिका माँ। हाँ जल्दी तो करनी ही पड़ेगी ना। आप देखो, हमारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, अब कल ही देख लो, ऐसा ना हो तुम्हारी शादी से पहले ही कहीं हम। माँ कैसी बात कर रही हैं? अच्छा नहीं करेंगे तो तुम शादी की तारीख के लिए हाँ कर दो।
आज तुम्हारी वजह से हम इतनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। हमारे मोहन के लिए दामिनी बिल्कुल सही लड़की है। कब तक, आखिर कब तक हमें डराती और धमकाती रहोगी तुम? तुम मर चुकी हो, इस घर से जा चुकी हो। भगवान के लिए हम सबको अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी माँ, कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं मोहन और गुनगुन की जिंदगी में खुशियों को वापस लेकर नहीं आती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये गलती मैं आपको दोबारा नहीं करने दूंगी माँ। मैंने सोचा था कि हम सास बहू मिलकर इस घर में खुशियों को वापस लेकर आएंगे, लेकिन आपने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी माँ। माँ, आप इस दामिनी को नहीं जानती है, ये किसी भी हद तक जा सकती है। चली जाओ, प्लीज जाओ। माँ, आपके कहने पर मैं अभी से छोड़ रही हूँ, पर मैं इसे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या तो रहे, कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो तुम? बताओ। कुछ नहीं मोहन। गुलाब लेकर क्यों घूम रही? तुम किसी से प्यार व्यार हुए क्या तुम्हें? उसे देने के लिए गुलाब लेकर आई हो तुम? किसे देना है तुम्हें ये गुलाब? मुझे तो बता ही सकती हो ना तुम? बोलो राधा, यही मौका है। बता दो मोहन को कि ये गुलाब का फूल तुम उसी के लिए लाई थी। आपके लिए। तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। ये गुलाब लेने गए थे ना, उस साथ में कांटे भी आ गए। क्या करें, छोटी सी चोट है मोहन जी, ठीक हो जाएगी। पता है ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ दवाई लगा देंगे तभी तो ठीक होगी ना। देखो दवाई कहाँ है। मोहन बेटा। हाँ। मोहन बेटा, अभी अभी तुम्हारी शादी की तारीख निकली है, घर में 100 काम पड़े, तुम जाओ जाकर संभालो, हम राधा की छूट संभाल लेंगे। आदि पर क्या हम देखकर उसके बाद चले आएंगे? बेटा हमने कहा ना, हम हैं ना राधा के लिए, तुम जाओ बेटा। Thank you.
आज बैठ बैठ बैठे शांत हो जा, शांत हो जा बेटा। इसी बात का डर था हमें, गुलाब और कांटे संग संग चलते हैं, जहां प्यार है वहां पीड़ा भी है। मोहन जी के लिए तेरी भक्ति प्यार में बदल गई और उसी प्यार ने तेरा दिल तोड़ दिया। जीवन भर हमने प्यार के बारे में सुना था, पढ़ा था, देखा था, पर कभी महसूस नहीं किया। पर आज जब हमने महसूस किया ना दादी, तो हमें समझ में आ गया कि प्यार अकेले नहीं आता, अपने साथ दर्द लेकर आता है। राधा, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? वो हम घर जा रहे हैं बरसाना। क्यों? घर में बहुत सारे काम हैं और फिर आप सब लोग तो मोहन जी की शादी में व्यस्त हो जाओगे ना। शादी? हाँ, 2 हफ्तों में मोहन जी और दामिनी चीची की शादी है। सुबह तारीख निकली है। ओह, तो इसलिए तुम घर जा रही हो? नहीं नहीं तो? झूठ, मुझे सब पता है। तुमने मोहन को बताया कि नहीं कि तुम उससे लव करती हो? क्या बोल रही हैं आप गुनगुन? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ कम ऑन, उस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें कैसे लड़के से लव है, तुमने मोहन का फोटो खोला है ना। एक मिनट रुको, ये तो मोहन है। तुम मोहन से लव करती हो? इसका मतलब मोहन तुम्हारा हीरो है? तो आप क्या ऐसा बोल रही हो कि कुछ नहीं है? मोहन दामिनी से शादी करेगा और तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाएगा, इसलिए तुम जा रही हो। मैं जाकर अभी मोहन को बोल देती हूँ कि राधा तुमसे प्यार करती है, फिर वो ये शादी कैंसिल कर देगा। और मुझे पता है उसे भी तुमसे प्यार है। हाँ गुनगुन, जाओ बता दो मोहन को। पर सच तो यह है कि ये घर किसी धर्मशाला से कम नहीं है। क्योंकि इस घर में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सालों पहले मेहमान बनकर आए थे, फिर इसी घर के होकर रह गए, जैसे कि आप। और सबसे बड़ी बात, अब राधा को मेहमान बोलना बंद कीजिएगा। राधा जो है ना, तो इस घर का हिस्सा है। बैग बैग अंदर रखो, चलो। कुछ नहीं सुनेंगे आप। माँ, ये चुप रहने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप चुप रही ना तो राधा यहाँ से नहीं जाएगी, और अगर राधा यहाँ से नहीं गई तो ये शादी भी नहीं हो पाएगी, और अगर ये शादी नहीं हो पाई ना तो मेरी बरसी और मोहन की जेल यात्रा शुरू।
गुनगुन, रोना बंद करो बेटा। देखो अब मोहन ने मना कर दिया है ना राधा से, अब राधा ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। नहीं मानेगी राधा मोहन की बात, वो चली जाएगी यहाँ से। मैं उसके बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे पता है वो कैसी है। एक बार उसने डिसाइड कर लिया तो वो मोहन की बात भी नहीं सुनेगी। अच्छा हम मानते हैं कि आपकी दोस्त है वो, लेकिन बेटा वो हमेशा के लिए तो इस घर में नहीं रह सकती ना। क्यों जाना है, वो यहाँ क्यों नहीं रह सकती जैसे हम सब रहते हैं। हाँ बेटा, पर ये उसका घर नहीं है। हम सब यहाँ कौन कौन रहते हैं? दादू, दादी, चाचू, बुआ, पापा, घर में फैमिली ही रहती है। और मेरी मम्मा कहाँ रहती थी? और तुम्हारी मम्मी भी यहीं रहती थी? तो घर में जो फैमिली वाले होते हैं वही रहते हैं बेटा, मेहमान हमेशा के लिए नहीं रह सकते। थैंक यू दादी, आपने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब रोगी नहीं? अब मैं कभी भी नहीं रोऊंगी। गुड गर्ल। अगर राधा को मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखना है तो उसे फैमिली मेंबर बनाना होगा, और ये करने के लिए तो सिर्फ एक ही वे है, राधा को अपनी मम्मा बना लूं। राधा तुमने मुझसे वचन लिया था ना कि मैं मोहन को नहीं बताऊंगी कि तुम मोहन से लव करती हो, फिर मैं तुम्हें अपनी मम्मा बना कर ही रहूंगी। माँ आप तो जल्दी आ गई। हाँ कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बस फांसी लगाने वाली हूँ, फिर आप मेरी लाश उतार लेना। ओके ये क्या बकवास कर रही तुम, छोड़ो ये सब। दामिनी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वादा तो आपने मुझसे किया था ना माँ। क्या राधा को मोहन की जिंदगी से दूर ले जाएंगे? पर देखा ना आपने, मोहन ने फिर से राधा को रोक लिया। अब राधा इस घर में बस गई है तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, है नहीं, ना, नहीं, नहीं, प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे की, मेरे मोहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दामिनी आपको बस मोहन की फिक्र है, मैं मर जाऊं उसका क्या? नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं दामिनी, प्लीज हमारी बात सुनो दामिनी, प्लीज हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, प्लीज मन करो, ये मन करो प्लीज। ठीक है, अगर आप अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद होने से रोकना चाहती हैं, हाँ, तो राधा को इस घर से निकालिए। निकल जाएगी वो, चली जाएगी इस घर से। प्लीज प्लीज मत करो, मत करो। मोहन जी आप अपना ख्याल रखिएगा, खाना समय पर खा लीजिएगा, दवाइयां भी ले लीजिएगा। क्या क्या कर रही हो तुम? आज तो मत रुकिए मोहन जी, भगवान माना था आपको, ये नहीं सोचा था कि आपसे प्रेम कर बैठेंगे, आपकी यादें साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारी किस्मत में नहीं है। तुम घर के बाहर कदम तो रखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। बाकी बिहारी जी
मेरा मन बहुत घबरा रहा है। राधा को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुमने कोई गुरु माँ से पूजा करवाई है क्या? नहीं मम्मा। तो फिर बड़ा सा दान धर्म किया है क्या? नहीं तो। तो प्रभु ने इस विधवा की गुहार सुन कैसे ली बिटिया? हाय, जो अब तक सापिन की तरह हमारे घर पे ऐसे कुंडली मार कर बैठी थी, अपने आप घर छोड़ के जाने को तैयार हो गई। हाँ कैसे? क्योंकि वो सांप नहीं है मम्मा, सापोली है और मैं नागिन। उसे भी पता चल गया कि वो मुझसे नहीं जीत पाएगी। देखा तूने, देखा कैसे रो रही थी? हमें तो लग रहा है कि अब वो वापस आएगी ही नहीं। ना आए तो ही बेहतर, और अगर आ गई तो उसे इस घर से नहीं दुनिया से निकाल दूंगी। वो तो है बिटिया, कुछ भी कह ले बिटिया, लेकिन उसके आंसू तो असली थे। देखा कैसे मोटे मोटे टपक रहे थे। दिल जो टूट गया ना बेचारी का। तो अब अपने औकात से बाहर हाथ मारेगी तो ऐसा ही होगा। तू है ना बिटिया, पहले ही हमारी बात मान लेती तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वो हमारे मोहन को फंसाना चाहती है, प्रेम करती है उससे, पर तू है कि हमारी बात ही नहीं मानी। अरे मम्मा, मुझे लगा गांव की लड़की है, गवार है, दिमाग कम है उसमें, तो क्यों मैं अपना टाइम और एनर्जी उस पर वेस्ट करूं, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन फिर जब उसने अपने पंख फैलाने शुरू किए ना, और फिर धीरे धीरे सारे घर वालों को अपने पल्लों में लपेटने लगी, तब मैं चिढ़ गई। नागिन हो ना, जब तक मुझे कोई परेशान ना करे मैं किसी को नहीं डसती। लेकिन जब डसती हूं तो सारा का सारा जहर सामने वाले के शरीर में उतार ही देती हूँ। जीत तो अब तेरी ही है, जैसे ही वो गई मोहन तेरा। अब तो मुझसे और इंतजार ही नहीं हो रहा है मम्मा, लगता है जैसे सालों से सांस बंद करके बैठी हूँ कि जब मोहन मेरी मांग में सिंदूर भरेगा तब जाके सांस लूंगी। राधा, किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, कम से कम गुनगुन के बारे में तो सोचो, वो नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। गुनगुन अभी छोटी है, हम जानते कि हमसे बहुत लगाव हो गया उसका, पर जैसे जैसे वो बड़ी होंगी, नए नए लोगों से मिलेंगी, उन्हें पसंद करेंगी, तब हमारी कमी नहीं खलेंगी उन्हें। और दामिनी जीजी, दामिनी जीजी भी तो है, बहुत प्यार करती है वो गुनगुन से, बहुत अच्छी माँ बनेंगी वो। बाकी बिहारी जी, हम ना आपको एक काम सब कर जा रहे हैं, धीरे धीरे सबके दिल से हमारी याद मिटा दीजिएगा, सबको खुश रखिएगा। और तुम राधा, तुम्हारे दिल से सबकी यादें मिट जाएगी, क्या तुम खुश रह पाओगी? और हमारी खुशी का क्या है, वो तो मोहन जी और गुनगुन की खुशी में ही है। वैसे भी हमारा जीवन तो इसी क्षण खत्म हो रहा है, जब तक मोहन जी और गुनगुन खुश है ये सांसें आते जाते रहेंगी, हम जी लेंगे। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी किसी की आदत लग जाएगी। बहुत कुछ दिया है तुमने राधा, और आज जाते वक्त बहुत कुछ लेके भी जा रही हो। नैना, जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। राधा इस परिवार का हिस्सा है। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हर दम
अब बांटते हैं ये हम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा को हाथ लगाने की? अब तेरा दी एंड है। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाके बिहारी जी को साक्षी मांगकर कसम लेता हूँ कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। आज टूटते हैं यूं नैना। अगर भगवान वो होता है जो आपके सारे दुख हार ले और आपकी जिंदगी खुशियों से भर ले तो मेरी भगवान तुम हो। छांव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं।